इस आज की वीडियो में मैं मिथपर के घर के बगल में एक ट्री हाउस बनाने वाला हूँ और उसके अंदर फायर प्रैंक भी होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत भयंकर रिएक्शन होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक करके जल्दी से कमेंट कर दो जो आपको चाहिए, मैं बनाने की कोशिश करूंगा उसके ऊपर। और मैं अभी मिथपर के घर में हूँ, उनका टाइम मशीन देख सकते हो आप। इतना बड़ा मिथपर का घर, ये जो इनका बहुत बड़ा है, जो कवरस्टोन से बना हुआ है, और ये इनका वीट फार्म तो बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर इनका टाइम मशीन। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। तो गाइस मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ और यहाँ पर मिथपर के घर के बगल में यहाँ पर एक प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर चार जंगली सैंपलिंग में रखूंगा, जंगल सैंपलिंग, और इसको यहाँ पर बड़ा करूंगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर ट्री बन जाएगा। और इसको और बड़ा बनाने वाला हूँ मैं खुद से। और देखो इसको डेकोरेट करने के लिए जंगल लॉक बनाने वाला हूँ, रैंडम लगाऊंगा, जिसके कारण ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मजा आने वाला है। और थोड़े गाइस यहाँ पर मैं रैंडम लगा रहा हूँ और थोड़ा ही सही लगाने के बाद बहुत मस्त लग रहा है ये। और यहाँ पर मैं बदल बदल के लगा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बनने दो। तो गाइस मैंने अभी तक कितना डेकोरेट किया है और बताओ कितना अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और बहुत ही ये अभी मैं पूरा तो बना नहीं है, अभी आधा अधूरा ही बना है और डायरेक्ट मैं नीचे वाला कंप्लीट करके मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर पूरा बन चुका है और ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर जाने का रास्ता ही मैंने बना दिया है और नीचे का ही पूरा कंप्लीट हो गया। देखो ग्रास वगैरह यहाँ पर बना दिया है और यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये देखो यहाँ पर वाटर के ऊपर वो लगाया हूँ और यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर लीव्स लगा दिया हूँ मैं, और ग्रास वगैरह यहाँ पर बोन भी से मैं कर दिया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो बेम्बू भी लगा दिया हूँ और फ्लावर वगैरह तो है ही, और कितना अच्छा लग रहा है आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता भी बना दिया मैंने और वो दिखा देता हूँ, देखो इधर से है और ये भी मैंने वो वाला लगाया है कि जंगल वाला। और ये देखो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं हम लोग और ऊपर एक घर बनाने वाला हूँ, बहुत स्वीट सा छोटा सा और बहुत अच्छा होने वाला है वो, और कितना ही मस्त बनेगा वो घर। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ से क्या ही व्यू आ रहा है, और यहाँ से रास्ता है नीचे आने का, और यहाँ से पूरा मस्त व्यू आएगा अगर मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, एक बालकनी टाइप मैं बना दूंगा। और यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा घर बन चुका है, मतलब कि पूरा ही बन चुका है, पर इसका घर के ऊपर वाला मैं बना रहा हूँ और बहुत अच्छा ये घर मेरे को सीट टाइप का लग रहा है। और गाइस मैं यहाँ पर ट्रैप डोर, यहाँ पर कॉबल स्टोन जिसपे ग्रास लगा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा, वो मैं लगाया हूँ, और यहाँ पर स्प्रिट वाला भी वुड लगाया हूँ मैं, और यहाँ पर स्टेयर्स लगा रहा हूँ मैं इसका छत बनाने के लिए। ये घर तो बहुत ही मस्त और स्वीट टाइप का लग रहा है, जैसे कि बच्चे लोगों का घर फेरी टाइप, यहाँ पर बहुत मस्त घर बन रहा है। और ये मैं इसे गलती से स्टेयर्स गलत लग रहा है और मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये देखो। और यहाँ पर एक लेयर और लगाऊंगा और घर बन जाएगा, और यहाँ पर बहुत ही मस्त लगने वाला है घर। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इसके ऊपर से क्या ही व्यू आएगा। और देखो गाइस यहाँ पर मेरा पूरा ट्री हाउस बन चुका है, ये देखो यहाँ पर कुछ ट्री हाउस ऐसा लग रहा है, और मैं ऊपर जाता हूँ दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ट्री हाउस। और यहाँ से रास्ते में कर दिया हूँ और यहाँ का तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना अच्छा यहाँ पर डेकोरेट किया है मैंने नीचे। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, तो चलो मैं ऊपर जाता हूँ और घर पूरा बन चुका है, मैं दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। और भाई चलो गिरना मत प्लीज। और यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका हूँ और देखो यहाँ पर कॉबल स्टोन क्या ही मस्त लग रहा है, और यहाँ पर मैं ग्लू स्टोन भी लगा दिया हूँ, और इधर से बहुत हाइट है, अगर कोई इधर से गिरेगा तो जाएगा। और यहाँ पर देखो लालटेन और यहाँ पर फैंस वाला कुछ लगा दिया मैंने, और यहाँ पर उसके ऊपर लालटेन भी लगा दिया, ये बहुत ही अच्छा डेकोरेट लग रहा है। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और चलो अंदर से दिखा देता हूँ मैं घर कैसा है, ये देख लो फ्रंट व्यू इसका कैसा है, इस पर एक बालकनी भी मैंने बना दिया है, और बहुत अच्छा जंगल सैपलिंग है, बहुत बड़ा बना देता है, कोई भी छोटा ट्री में मैं नहीं बनाना चाहता था बड़ा ट्री में, और जंगल सैपलिंग मेरे को बड़ा ट्री लगा इसलिए। और यहाँ पर देखो बुक सेल्फ में मैं फ्लावर पॉट रखा हूँ, और वहाँ पर एक पेंटिंग और पिंक कलर का बेड है, यहाँ पर मैं किट बनाने के लिए पिंक कलर का बेड रखा हूँ, और ग्लो स्टोन, और देखो यहाँ पर बालकनी कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा, और वहाँ पर एक विलेज रहता तो बहुत ही अच्छा रहता।
और यहाँ पर कितना ही अच्छा घर लग रहा है। और मैं पूरा दिखा देता हूँ पूरा घर कैसा लग रहा है। और देखो कुछ ऐसा लग रहा है पूरा घर, पूरा मस्ती लग रहा है मेरे को। मैं भी अपना घर में बनाऊंगा ये वाला, पर ये छोटा सा है क्योंकि इस पर फायर भी मेरे को लगाना है। इस पर प्रैंक होगा, मतलब कि अलग घर पूरा जलने वाला है, इसलिए मैं छोटा ही से ही बनाया हूँ। मैंने तो सोचा तो बहुत बड़ा बनाऊंगा, पर इस पर प्रैंक भी होने वाला है, इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। और यहाँ पर देख लो, और गाइस देख लो कैसे वो जलने वाला है, जो ट्री हाउस है कैसे जलेगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल टाइप दिखा देता हूँ कैसे मतलब कि होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बेस टाइप का बना ले रहा हूँ जिसपे डिस्पेंसर लगेगा, और डिस्पेंसर पूरा उसका जो एक मुंह रहता है वो पूरा नीचे की तरफ रहना चाहिए। और इसके मैं ऊपर आर कर देता हूँ जिसके कारण मेरे को लग नहीं रहा है, एक और ऊपर यहाँ पर कर देता हूँ। और डिस्पेंसर यहाँ पर नीचे की तरफ इसका मुँह आ चुका है, इसका नीचे की तरफ मुँह करना है, और वहाँ तो बहुत जगह है, आराम से हो जाएगा ट्री हाउस में। और इसके नीचे बेस होना चाहिए जिसके कारण ये जलेगा, जिसका ये मुंह है वहाँ से इसका फायर निकलेगा। तो देखो इसके ऊपर प्रेशर प्लेट लगा के इसके अंदर फ्लिंट स्टील लग देना है, जिसके कारण यहाँ पर जलने वाला है। और यहाँ पर मैं फ्लिंट स्टील ले लेता हूँ, और बहुत ही अच्छा ये प्रैंक होने वाला है मिटपेड़ के ऊपर। और देखो यहाँ पर मैं फ्लिंट स्टील रख दिया हूँ, और इसके नीचे यहाँ पर कुछ रूट टाइप रहना चाहिए जिसके कारण ये जलेगा पूरा ट्री हाउस। और देखो यहाँ पर मैं इसके नीचे यहाँ पर रख दिया हूँ, और देखो कैसे ही जलेगा। जिसके यहाँ पर चढ़ेगा कोई तो ये जल जाएगा। ओ नहीं जल रहा है, ओके तो समझ गया क्यों नहीं जल रहा है, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ओके देख लो ये कैसे काम करने वाला है, ये देखो यहाँ पर जल गया है यहाँ पर फायर, क्योंकि इसके नीचे एक ब्लॉक हटाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसको जलने के लिए भी कुछ चाहिए। और देखो पूरा जलने लगा है, ऐसे ही करके पूरा ट्री हाउस जलेगा और ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया है वो देखो प्रेशर प्लेट, अभी इसके अंदर फ्लिंट स्टील नहीं रखा है, और इसके नीचे भूड़ भी लगा दिया मैंने जिसके कारण ये पूरा ट्री हाउस जलेगा। और इसके अंदर मैं फ्लिंट स्टील रख दूंगा, और ये पूरा घर तो अच्छा ही लग रहा है। तब तक के लिए ये वीडियो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, और ये मिटपेड़ का घर रात में बहुत चमक रहा है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, और जो चाहिए कमेंट लिख दो। तब तक के लिए बाय।